हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। जानते हैं गर्मी बहुत अधिक है, और जानते हैं इस क्लासरूम में गर्मी लगने का बड़ा कारण क्या है? उधर एग्जॉस्टर का नहीं होना। देखिए, मकान मालिक ऐसे है तो अपना ही आदमी समझे, लेकिन हो सकता है सुन रहे हो उससे मतलब ना है, लेकिन मकान जब भी घर बनाइए ना तो थोड़ा सा एक दो बीच छोड़ करके बनाइए कि मकान मालिक जो है दूसरे के रूम में सटा के बनाया हुआ है, तो फिर वो काहे देगा आपको खोलने के लिए। अगर मान लिया जाए कि 1 फीट भी रहता तो आराम से एग्जॉस्टर लग सकता और फिर इतना गर्मी नहीं लगता, समझ गए। और बिट्टू झा सर तो ये गर्मी के कारण जो है भाग रहे हैं घर, बोले हम जा रहे हैं घर, नहीं तो एसी लगवाइए क्लासरूम में, तब ये क्लास लेंगे। आज सुबह में 8 से 10 फाउंडेशन बैच हुआ, 8 से 10 लिए, 8 से 10 का तो माहौल थोड़ा ठीक था, 10 से 12 में 5-10 मिनट लिए छोड़ के भाग गए, समझिएगा। और उसके बाद जो है कोई भी क्लास नहीं लिए। तो गर्मी सच में ज्यादा है। आप कल हम जो है, कल रविवार था ना जी, कल जो है आपको बिहार पुलिस का एक सेमिनार रखे थे, मुश्किल से 50 से 55 मिनट हम क्लास में थे, और क्लास में आने के 5 मिनट के बाद ही पूरा नहा लिए पसीना से, समझ गए। अंतिम में मन जाकर के बका गया, लेकिन फिर भी हम क्लास लिए। फिर शाम में भी क्लास लिए, लेकिन जितना रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे में उतना बिट्टू झा सर में नहीं न है। वो बोलते हैं कि आप पता नहीं कैसे इतना ले लेते हैं, समझ गए। होता है, सबका अपना अपना है। अब बिट्टू सर तो क्लास तभी लेंगे जब एसी लगेगा, तो प्रयास कर रहे हैं आज रात में ही कम से कम आगे वाले एरिया में 2-3 एसी लग जाए, आगे वाले एरिया में विशेष तौर पर। सबसे पहले टीचर को ना जी, उसके बाद पूरे क्लासरूम में लगेगा, ठीक है, पूरे क्लासरूम में लगेगा। लेकिन पहले मास्टर पढ़ाने के लिए आता है, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो क्लास ले ही लेते हैं। अब देखिए, एसी तो आ गया है, लेकिन जो है इंस्टॉलेशन वाला जो है नखरा पसार रहा है। अब देखिए क्या होता है। प्रयास तो रहेगा रातें में लगाने का, तभी वो कल क्लास लेंगे, अगर नहीं लगाए तो क्लास होने लेंगे, दिक्कत यही ना है। तो प्रयास तो ये है कि रात में लग जाए। अब देखिए क्या हो पाता है। और सबसे बढ़िया ओ जनरल या आई जनरल का एसी होता है, कूलिंग अच्छा करता है। वो मार्केट में बहुत ज्यादा उपलब्ध भी नहीं होता है, पता नहीं, हो सकता आप लोग नाम भी ना सुने होंगे। आप लोग हिटाची, वोल्टास, इस सब का नाम सुने होंगे। ओ जनरल या आई जनरल होता है सबसे बेहतर एसी होता है, समझ गए। अब यहाँ पे लगा रहे हैं, अब रूमों पर लगाना ही पड़ेगा, लगता है। रूम पर तो अभी तक पंखे में जी रहे थे, समझे। चलिए आइए लगवा ले, पैसा आप दीजिएगा ना। हाय, हाँ, तो एसी लगेगा तो पैसा तो बढ़वे करेगा ना। चलिए आ जाइए आप। मेन जो है हमको पता चला, ये मेन ये जो आगे वाला एरिया ना, यहाँ पे ज्यादा हीट वेव चलता है, उधर वाले एरिया में ठीक ठाक है। अरे लगवाएंगे तो महाराज पूरा क्लासरूम में न लगवाएंगे, लेकिन यही है थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल बिट्टू सर को सुविधा दे देते हैं, बाद बाकी अपना देखा जाएगा। चलिए अब शांति बना लीजिए। पिछले सप्ताह में तो हमको लगता है नहीं ही हुआ टेस्ट, वो टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था। वो तो शुरू में पता नहीं एगो लड़की रोक दी, मूड खराब हुआ, फिर ओम नमः स्वाहा, समझ गए। तो कोई लड़की रोक दी थी हमको लगता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ओम नमः स्वाहा हो गया टेस्ट। देखिए टेस्ट में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो बहुत चीज दिमाग में रहता है, फलना 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 बात बताना है। बीच में अगर कोई रोक देता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, समझे। तो खैर कोई बात नहीं है, रोकना आपका फर्ज है। और देखिए जानते हैं, अब जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो जैसे देखते हैं बहुत सारा टीचर वही रटा रटाया चीज जो है लेके आ रहा है। बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, समझ गए। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। तो ये सब क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम खुद से शर्मा जाते हैं, समझ गए, कि हम अपने विद्यार्थी को ये सब क्वेश्चन देंगे, समझ गए। तो देखिए ये नहीं कि हाई लेवल के क्वेश्चन में लो लेवल का सब गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाई लेवल का कीजिए लेकिन लो लेवल के चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो डिस्कशन में जो है हम प्रयास ये करेंगे, जितनी भी छोटी डिस्कशन के दौरान हम प्रयास ये करेंगे, डिस्कशन के दौरान जो है मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उन छोटी छोटी बातों का भी रिवीजन करवाते हुए जाएं, ताकि आपका नॉलेज भी आगे बढ़ जाए और साथ ही साथ जो है छोटी छोटी बातें भी जो है आप जान पाए। क्या कर रहे हैं जी, है कुछ कर रहे हैं क्या? चलिए हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन के फी में कोई चेंज ना हो, नहीं होगा। ऑनलाइन एसी लगाने से ऑनलाइन वालों को क्या फर्क पड़ रहा है, ऑफलाइन ना, ऑफलाइन दिक्कत है। तो ऑनलाइन सेम रहेगा, ऑफलाइन जो है ऑफलाइन नए फी इंक्रीज करेंगे। आप काहे चिंता करते हैं, नहीं करेंगे, ठीक है, बोल रहे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए देखिए आप लोग को लगता होगा कि बहुते कमाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात ना है, समझे। तो जो है शिक्षा दान महादान। देखिए हम टेस्ट सब जो लेते हैं 100 रुपया पर मंथ, 200 रुपया पर मंथ, तो उसमें क्या लगता है हमको बचता है। आप भ्रम में जी रहे होते हैं कि हमको बचता है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे। आप लोग नहीं, विश्वास ही नहीं कीजिएगा तो आप लोग को बताने से भी कोई फर्क पड़ता है नहीं, समझे। देखिए हम बहुत विद्यार्थी को हेल्प करते हैं, समझ गए। आप पढ़ने में बेहतर बनिए ना, आपको इतना हम दे देंगे जितना आप हमको दिए उससे 10 गुना हम आपको दे देंगे, लेकिन आप पढ़ने में बेहतर हो तब, समझ गए। तो हम तो टेस्ट में जो टॉप करता है उसको पैसा देते हैं, 5000 देते हैं, किसी टेस्ट में 2000 देते हैं, किसी में 500 देते हैं, किसी में 100 देते हैं, समझ गए। तो अगर आप पढ़ने में बेहतर है तो आप हमको 5000 अगर दिए हैं तो हमसे आप 50000 तक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने में बेहतर हो तो, ठीक है। आ जाइए, अब बहुत दिन से आप लोग से बढ़िया से बात नहीं किए थे तो इसलिए सोचे आज पहले 2-4 मिनट बात करेंगे, समझे। बात करने से मन हल्का होता है, समझे। और मन में कोई बात हो तो एकदम रख दीजिए, जिसके सामने रखना है रख दीजिए, जिसके सामने आप रखना चाहते हैं रख दीजिए। हमारा तो सब चीज आप ही लोग हैं तो हम तो आप ही के सामने रखेंगे, समझ गए। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए आगे। पहला क्वेश्चन है सीबीआई निदेशक, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई निदेशक, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाले समिति में होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको 1962 में के संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया था, और 1962 में के संथानम की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित किया गया था उसे संथानम कमेटी कहा जाता है। संथानम कमेटी के सिफारिश पर, संथानम कमेटी के सिफारिश पर भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु, भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु 1963 ईस्वी में सीबीआई का गठन किया गया। 1963 ईस्वी में सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई का गठन भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के तहत किया गया। सीबीआई का गठन भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के तहत किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर सीबीआई को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर सीबीआई को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। सीबीआई में एक निदेशक होता है, एक डायरेक्टर होता है। जो सीबीआई निदेशक या सीबीआई डायरेक्टर होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सीबीआई में जो निदेशक होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं। केंद्र सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं, जिस 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जाती है। उस 3 सदस्यीय समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। यही तीनों को मिलाकर जो समिति बनता है, उस समिति के द्वारा जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जाती है, उस व्यक्ति को ही सीबीआई के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाता है। 1963 में सीबीआई का गठन हुआ, 1963 में सीबीआई का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक, यानी 1963 से लेकर 2023 तक टोटल 33 सीबीआई निदेशक बने हैं। जो टोटल 33 सीबीआई निदेशक बने हैं, उसमें पहला सीबीआई निदेशक बना है डीपी कोहली, और मई 2023 में सीबीआई के 33वें निदेशक बने हैं परवीन सूद बने हैं। समझिएगा, परवीन सूद बने हैं। अर्थात अगर इस प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए जाएं तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? क्या होगा? सभी होगा। आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहां गया जी? अरे देखिए आवाज को क्या हो रहा है जी, देखिए थोड़ा सा, बताइए। उधर कूलर है, इधर पंखा है, तैयो जो है वही हाल है। है, आप लोग तो डरते हैं गर्मी से। महाराज अरे डरिए नहीं महाराज, जो लिखना है लिख लीजिए। लिख लिए? हाँ चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना? हाँ? अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है शानदार। कौन क्वेश्चन शानदार है? सब बढ़िया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला, राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफातुल मुइद्दीन। ऊपर में क्या हो रहा है? हल्ला कर रहा है। क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा? ओ हे देखिए, ओ है तो गर्मी इतना होता है सब सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। यहां से जाके नहा लीजिएगा आप लोग, समझे? आप विश्वास कीजिएगा हम गर्मियों में 7 दिन तक नहीं नहाते हैं। विश्वास कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, लेकिन सच में नहीं नहाते हैं। कभी कभी क्लासे रूम में नहा लेते हैं। हे देखिए, वो आवाज को क्या हुआ है? गया है? जो आदमी गर्मी में 7 दिन नहीं नहाता वो ठंडी में क्या करता होगा? स्टूडेंट लाइफ में 1 बरस ऐसा गुजरा कि हमको लगता है पूरा ठंडी नहीं वे नहीं किए। स्टूडेंट लाइफ से मस्त कोई लाइफ नहीं होता है, समझे? मन हुआ पढ़ने का पढ़े, नहीं मन हुआ नहीं पढ़ेंगे। कौन देखने वाला है? अभी बताइए, अभी अगर मन हुआ पढ़ाने का पढ़ाए, नहीं मन हुआ नहीं पढ़ाए, कितना दिन टिकिएगा? मैक्सिमम 1 माह, फिर भाग जाइएगा। हे क्या हुआ जी? इसको भी एसी चाहिए। आए वहां पंखा लगाया है, वहां पे पंखा लगाया हुआ है, इसलिए वो आवाज करता है क्या जी? देखिए ठीक है जी, पढ़ाए ना। अब ऊपर वाले लोग, आवाज जा रहा है जी? हे देखिए, हे टोपी वाला देखिए, टोपी वाला देखिए। ठीक है ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, राजा राम मोहन राय, बात अगर राजा राम मोहन राय की जाए तो जो हिंदू समाज था, जो हिंदू संस्कृति थी, उसमें जो कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। जैसे हिंदू समाज में बहुदेववाद की प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। बहुदेववाद की प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, एक से अधिक देवी देवता की पूजा करना। जैसे हिंदू समाज के लोग राम को भी पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, साईं को भी पूजते हैं, विष्णु को भी पूजते हैं, भगवान भोले को भी पूजते हैं, सबको पूजते हैं। तो ये जो बहुदेववाद का प्रचलन हिंदू समाज में देखने को मिलता है, इस बहुदेववाद का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। और देखिए राजा राम मोहन राय जो एकेश्वरवाद पर बल दिया है, यह इस्लामी समाज से प्रभावित होकर राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया है। इस्लामी समाज के अंतर्गत सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती है, उसके अलावा किसी की इबादत होती है नहीं होती है। तो इस्लामी समाज में एकेश्वरवाद की प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है और उसी से प्रभावित होकर राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में भी एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। दूसरा, हिंदू समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ करता था, उस समय भी हुआ करता था, आज भी है। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। जब तक यह सभ्यता रहेगी, कोई कितनों विरोध कर ले, यह समाप्त होने वाला नहीं है। ये दोनों भारत की सभ्यता के उत्पत्ति से ही हमारी संस्कृति में विद्यमान है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक यह विद्यमान है और आगे भी ये रहेगा। तो राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका थी तोहफातुल मुहाब्दीनी नामक पत्रिका में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। एकेश्वरवाद पर बल दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और जब ये सब काम राजा राम मोहन राय करने लगे तो राजा राम मोहन राय के पिता ने ही राजा राम मोहन राय का विरोध किया। फिर राजा राम मोहन राय घर छोड़ दिए और एक अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी की सेवा में नियुक्त हो गए। जॉन डिग्बी के सेवा में नियुक्त हो गए थे राजा राम मोहन राय, समझ गए। और आप सब लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय को इतिहास सती प्रथा का अंत करवाने के लिए याद करता है। राजा राम मोहन राय कि अपनी भाभी हुआ करती थी, उसको सती होना पड़ा था और उस भाभी से राजा राम मोहन राय को काफी लगाव था। और उसी के बाद राजा राम मोहन राय ने यह सोच लिया था कि हमें इस सती प्रथा जैसी क्रूरतम प्रथा को समाप्त करना है। और तब फिर राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त किए। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज नामक संगठन की स्थापना किया। और जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। कालांतर में जाकर राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज दो बार विभाजित हुआ। पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 में हुआ और दूसरी बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1878 में हुआ। तो ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन 1866 में और दूसरी बार 1878 में। अब यहां पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़िए और बताइए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या गलत? आए सही है ना जी। चलिए अब आगे सुनिएगा ध्यान से। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज पहली बार 1866 में विभाजित हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों विभाजित हुआ, तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ने संभाला था। केशव चंद्र सेन यह चाहता था कि ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो। केशव चंद्र सेन यह चाहता था कि ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज भारत तक ही सीमित रहे। इस बात को लेकर ही दोनों के बीच मतभेद हो गया। इस बात को लेकर ही दोनों के बीच मतभेद हो गया और फिर ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। और जब ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ तो भारतीय ब्रह्म समाज बना। और जो भारतीय ब्रह्म समाज बना, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक किसको माना जाता है? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, सही या गलत? गलत। क्या है? गलत। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इसके बाद आगे आइएगा, तीसरा नंबर ब्रह्मनिकल मैगजीन, अंग्रेजी के संपादक, यानी ब्रह्मनिकल एक प्रकार का मैगजीन था जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसके संपादक केशव चंद्र सेन थे? नहीं, इसके संपादक केशव चंद्र सेन नहीं थे, बल्कि इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे संपादक? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इसके बाद अब आगे आप सुनिएगा, सुन रहे हैं, सुनिए। ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन 1878 में हुआ, और ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन जब 1878 में हुआ तो साधारण ब्रह्म समाज बना, और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। किसको माना जाता है? आनंद मोहन बोस। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन क्यों हुआ? तो क्यों हुआ उसका उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एगो केशव चंद्र सेन था। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया, और इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। लेकिन देखिए, यह अधिनियम पारित करवाया केशव चंद्र सेन ने, लेकिन केशव चंद्र सेन ने ही इस अधिनियम का विरोध कर दिया, इस अधिनियम का उल्लंघन कर दिया, विरोध नहीं उल्लंघन कर दिया। केशव चंद्र सेन ने ही इस अधिनियम का उल्लंघन कर दिया। कैसे यह बात कह सकते हैं? यह बात इस आधार पर कह सकते हैं, केशव चंद्र सेन अपनी मात्र 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजकुमार से कर दिया। कुछ बिहार बंगाल में पड़ता है, वहां के राजकुमार से। कुछ बिहार बंगाल में पड़ता है, का हो रहा है, ऐ पटक देंगे हम, ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, दिमाग खराब। अरे बुलाइए उसको, अरे आवाज बढ़ा करके रखिए, जब आवाज बढ़ा करके रहता है तो ठीक रहता है, तो आवाज बढ़ा के रखिए, इतना दिमाग नहीं है जी, अजीब हाल है, मूर्त के तरफ बैठल रहता बस। शांत रहिए। तो जो ब्रह्म विवाह अधिनियम था, इसमें लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना था? 14 बरस। कितना बरस? लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी कितना वर्षीय बेटी का विवाह किया? 12 वर्षीय। मतलब इस अधिनियम का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। जब केशव चंद्र सेन इस अधिनियम का उल्लंघन किया तो उनके अनुयायियों ने कहा, आप ही पारित करवा रहे हैं, आप ही उल्लंघन करवा रहे हैं, आप ही उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको हम खाक मानने वाले, हम जा रहे हैं अलग ब्रह्म समाज बनाएंगे। और तब जाकर ब्रह्म समाज में दूसरी बार 1878 में विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज बना, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता। बताइए, चौथा नंबर स्टेटमेंट सही या गलत? आए सही ना? बात समझ में आया? आंसर कौन सा सही है? 1 और 4। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा बताइए? हमको पता था 2004 मारिएगा, इसलिए हम पहला ऑप्शन में 2004 दिए, क्योंकि देखिए सबके दिमाग में क्या रहता है जानते हैं? सबके दिमाग में रहता है 2004 में सुनामी आया था। आया था ना? 2004 में सुनामी आया था। लेकिन देखिए यहां पर प्रश्न सुनामी से ना चक्रवात से रिलेटेड है। सुनामी और चक्रवात में अंतर नहीं होता है, बहुते अंतर होता है, समझ गए। अब आइएगा क्वेश्चन पे। अधोलिखित में से किस वर्ष आए अत्यंत विध्वंसकारी चक्रवात ने भारत के अंतिम गौधनुष कोडी, भारत का अंतिम गौधनुष कोडी जो है तमिलनाडु में है, और भारत का पहला गौमाना उत्तराखंड में है, भारत का पहला गौमाना उत्तराखंड में और अंतिम गौधनुष कोडी तमिलनाडु में है। धनुष कोडी को नेस्तानाबूद कर दिया तथा वहां रहने वाले लगभग 1800 लोगों की जान ले ली। यह चक्रवात आया था 1964 ईस्वी में। कब आया था? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आप सब लोग, कुछ लोग जवाब तो निश्चित तौर पर देंगे। क्या होगा उत्तर? भाग 17। चलिए ठीक है, जो भी भाग 17 बोल रहे हैं आप, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, सही है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। आप सब लोग जानते हैं जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को मूलतः कितने भागों में बांटा गया? 22 ना जी, भारत के संविधान को मूलतः बांटा गया है 22 भाग में। कितना भाग में? 22 भाग में। उस 22 भाग में से एक भाग है भाग 15। जो भाग 15 है, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। फिर इसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 16। भाग 16 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जानते हैं? कुछ वर्गों शब्द का प्रयोग एससी, एसटी, ओबीसी, एंग्लो इंडियन, एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, की चर्चा भाग 16 में है। और भाग 16 के अंतर्गत अगर बात अनुच्छेदों की करें तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342, अनुच्छेद 330 से लेकर 342, जैसे इन्हीं अनुच्छेदों में आप पाएंगे एससी एसटी के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित है। अनुच्छेद 330 एससी एसटी के लिए विधानसभा में सीट आरक्षित है। अनुच्छेद 332 राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त करता है। अनुच्छेद 331, इस सब प्रावधान इसी में है। तो कुछ वर्गों शब्द का प्रयोग एससी एसटी ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भाग 17, भाग 17 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें राजभाषा आयोग है। क्या है? राजभाषा आयोग। और राजभाषा आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351। इसके बाद आगे है भाग 18। अगर भाग 18 की हम लोग बात करें तो जो भाग 18 है इसमें है आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। और जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध की चर्चा है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। अब देखिएगा, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 बी या अनुच्छेद 350 ख या अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी के विषय में चर्चा देखने को मिलता है। अब जो अनुच्छेद 350 का ख या बी है, यह अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? एकदम से आएगा। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, भाग 17। यानी आप लोगों ने जो उत्तर दिया था वो क्या था? सही था। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए तो आप लोग बोलिए बोलिए ना। ए के पक्ष में कितने लोग हैं? अधिकतर लोग हैं। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है जानते हैं? देखिए हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको संदेश जरूर देता है, बस उसको समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है बंगाल। बंगाल देखिए अगर प्रश्न यह रहता बंगाल नहीं रहता, अगर प्रश्न में बंगाल नहीं रहता बल्कि बंगाल के जगह भारत रहता, बल्कि बंगाल के जगह क्या रहता? भारत। और भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? यह भी एक क्वेश्चन है और यह पूछा जाता है। भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने पूरे भारतवर्ष के भीतर इस्लामी समाज के लोगों को जागृत या जागरूक करने का काम किया, जिस वजह से भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता सर सैयद अहमद खां को कहा जाता है। लेकिन यहां पर भारत शब्द नहीं है बल्कि यहां पर क्या है? बंगाल। अगर बात बंगाल की करें तो बंगाल के मुसलमानों को जिसने जागरूक किया उसका नाम था अब्दुल लतीफ। उसका नाम था अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ने बंगाल के मुसलमानों को जागरूक किया, उसे शिक्षित करने का प्रयास किया, उनकी सोच को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, जिस कारण बंगाल के संदर्भ में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। और अब्दुल लतीफ ने ही 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ ने ही किया। और पूरे बंगाल के संदर्भ में मुस्लिमों के लिए राजा राम मोहन राय अब्दुल लतीफ को कहा जाता है, और पूरे भारत के संदर्भ में मुसलमानों के लिए राजा राम मोहन राय सर सैयद अहमद खां को कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो उत्तर क्या होगा? बी। क्या होगा उत्तर? बी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का कीवर्ड था बंगाल। अरावली पर्वत के संदर्भ में गलत उत्तर का चयन करें। गलत 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 मतलब गलत कौन है, कौन गलत है? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह पर्वत मुख्य तौर पर राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका विस्तार गुजरात में नहीं है या दिल्ली में नहीं है। गुजरात में भी है इसका विस्तार और दिल्ली में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर इसका विस्तार है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान। और यह विश्व के प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतों में से एक है, और यह जो पर्वत है विश्व के प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। और यह जो पर्वत है, इस पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। इस पर्वत की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन कल्प। प्री कैम्ब्रियन कल्प की अगर हम लोग बात करें तो आज से लगभग 470 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 470 करोड़ वर्ष पूर्व के काल को प्रीकैम्ब्रियन काल कहा जाता है और उसी समय इस पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। और इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और जो गुरु शिखर का इलाका है जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्मावलंबी के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए, इतना पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और आप जानिए कि जो आपको अरावली पर्वत है, देखिए जो अरावली पर्वत है ये पश्चिमी भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करता है। जो अरावली पर्वत है ये पश्चिमी भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करता है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में खूब वर्षा होता है, एकदम शानदार मौसम होता है, सब चीज उपजता है। और इसके पश्चिमी भाग में वर्षा ना होता है, कुछ नहीं उपजता है, कुछ नहीं उपजता है, मरुस्थलीय भाग है। तो यह जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। उसी प्रकार से अगर भारत के संदर्भ में देखें कि कौन सा पर्वत जलवायु विभाजक के तौर पर काम करता है, तो भारत के संदर्भ में जलवायु विभाजक के तौर पर काम करता है हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत याद रखिएगा। बताइए पहला सही या गलत, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसकी औसत आयु 557 मिलियन वर्ष है। ये भी क्या है? सही है। गलत को चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा गुरुजी लोग। लिखिएगा भारत के लिए, भारत के लिए जलवायु विभाजक, भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम, भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम हिमालय पर्वत करती है। हिमालय पर्वत करती है तो वहीं पश्चिमी भारत के लिए, तो वहीं पश्चिमी भारत के लिए, तो वहीं पश्चिमी भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम, तो वहीं पश्चिमी भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम अरावली पर्वत करती है। अरावली पर्वत करती है, अरावली पर्वत करती है। इस पर्वत का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। इस पर्वत का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। इस पर्वत का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। इस पर्वत का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। आगे आ जाइएगा। यूएन थेबर आयोग का संबंध है। देखिए जो यूएन थेबर आयोग है अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित है और इस आयोग का गठन हुआ है 1960 में। 1960 में इस आयोग का गठन हुआ है और इसका संबंध है अनुसूचित जातियों के कल्याण से। 1890 ईस्वी की बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी एनएम लोखंडे ने। एनएम लोखंडे ने। आगे है, आगे समझिएगा इस प्रश्न को। देखिए ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिए। सबसे पहली बात आपको दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। और जानते हैं दोआब वाला जो इलाका होता है बड़ी उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, ये गंगा है और ये यमुना है। उत्तर प्रदेश में ये गंगा है और ये यमुना है। गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश में है और विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब है और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भूमि काफी उपजाऊ है और यही कारण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान काफी संपन्न है। ये सब जो राकेश टिकैत सबका नाम सुने वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ना है जी, बहुत संपन्न है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सब। दोआब इलाका है, उपजाऊ इलाका है। इसके बाद जो है उसी प्रकार से सबसे ज्यादा दोआब जो है ना पंजाब के क्षेत्र में मिलेगा। पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है ना जी, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, ये सब गुजरती है कि नहीं गुजरती है जी? गुजरती है ना, गुजरती है। तो सबसे ज्यादा दोआब यहां पर मिलेगा और यहां की भूमि भी काफी अधिक उपजाऊ है। हां या ना? हां, एकदम से हां। उसी प्रकार से जब आप दक्षिण भारत में आएंगे तो दक्षिण भारत में एगो कृष्णा नदी है, ई कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी की एगो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ई तुंगभद्रा नदी है। ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र है इसको रायचूर दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? रायचूर दोआब। और ये जो रायचूर दोआब का इलाका है काफी उपजाऊ इलाका है और इस रायचूर दोआब के विषय में यह कहा जाता है कि रायचूर दोआब दक्षिण भारत को 2 भाग में बांटता है। रायचूर दोआब के ऊपर जाइएगा दक्कन का प्रदेश और नीचे आइएगा तमिलकम प्रदेश। जैसे आप जानते हैं भारत को 2 भाग में कौन पर्वत बांटता है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। कौन बांटता है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। भारत के मध्य से होकर विंध्यांचल पर्वत श्रेणी गुजरती है जो भारत को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उसी प्रकार से रायचूर दोआब दक्षिण भारत को 2 भाग में बांटती है। इससे ऊपर जाइएगा दक्कन का प्रदेश, नीचे आइएगा तमिलकम प्रदेश। तो जो रायचूर दोआब है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब काफी उपजाऊ क्षेत्र है। विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होता था जी, इस रायचूर दोआब को लेकर भी संघर्ष होता था। इतना पर पहला नंबर स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि रायचूर दोआब कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहा जाता है। हाँ या ना? हाँ। अब आगे आइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत है ना हो, भारत के उत्तरी भाग में आएंगे ना तो भारत के उत्तरी भाग में पर्वत मिलेगा। भारत के मध्य भाग में आएंगे तो मैदान मिलेगा। अब भारत के दक्षिणी भाग में आएंगे तो पठार मिलेगा। भारत के दक्षिणी भाग में पठार ही पठार है। आंध्रा का पठार है, कर्नाटका का पठार है, पठार ही पठार आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कर्नाटका का पठार कर्नाटक में है और कर्नाटका पठार का जो पश्चिमी भाग है, कर्नाटका पठार का जो पश्चिमी भाग है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को आप, कर्नाटका का पठार कर्नाटक में है और इस पठार का जो पश्चिमी भाग है थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। कर्नाटका के पठार के पश्चिमी भाग जो थोड़ा ज्यादा ऊंचा है उसको मलनाड कहा जाता। क्या कहा जाता? मलनाड। क्या कहा जाता? मलनाड। तब दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही आया गलत? हाँ। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको जो है गंगा नदी, गंगा नदी का नाम आपने सुना है? गंगा नदी, ये गंगा नदी है। कौन नदी है? और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, यमुना, सब गंगा की सहायक नदी। हाँ या ना? और ये जो इलाका है गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है ये भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र है और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो अपने मार्ग में काफी ज्यादा परिवर्तन करती है। और गंगा की सहायक नदियों में एगो कोसी है जो मार्ग परिवर्तन करने में माहिर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? कोसी। कौन है? कोसी। समझ गए? कोसी नदी है। और कोसी नदी में हमेशा बाढ़ आता है। कोसी नदी में हमेशा बाढ़ आता है, जिस वजह से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए ही कोसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे कोसी परियोजना कहा जाता है। लेकिन फिर भी कंट्रोल हो नहीं रहा है बाढ़। और देखिए, आपको गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो काफी ज्यादा मार्ग परिवर्तन किया जाता है, इसको लेकर इस मध्यवर्ती इलाका में कुछ विशेष प्रकार के झील देखने को मिलते हैं जिसको गौखूर झील कहा जाता है। देखिए, गौखूर झील, गौखूर झील उस झील को कहा जाता है जिस झील की आकृति इस प्रकार से होती है, गाय के खूर के समान होता है। गाय या भैंस या बैल देखे हैं, उसका पैर देखे हैं, इसी प्रकार का लगभग मिलेगा आपको। तो इन नदियों के द्वारा इस प्रकार के झील के निर्माण किए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखूर झील बहुतायत मतलब बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प करती है, नदियां मार्ग में काफी अधिक परिवर्तन करती है। सही है। ये भी भारत के तटीय मैदान का निर्माण केवल नदियों के निक्षेपण से हुई है। गलत है या सही? गलत है। गलत है। कैसे गलत है, अब आप समझिएगा। एक तो इस स्टेटमेंट का कीवर्ड है केवल। अगर इसमें केवल शब्द नहीं होता तब यह सही हो जाता, लेकिन केवल शब्द इसको ले दे करके काम खत्म कर दिया है। अब समझिएगा आप, देखिए, भारत है, भारत का दक्षिणी भाग है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। और भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। ये है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और अरब सागर के बीच, ये अरब सागर का इलाका है। अरब सागर, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और अरब सागर के बीच जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को ही पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो ये मैदानी भाग है, इसी को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है। देखिए, एगो बात हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी मैदान का जो निर्माण होता है, नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। लेकिन सिर्फ मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही नहीं होता है, बल्कि मैदान का निर्माण और भी कई वजहों से होता है। अगर बात हम लोग करें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की, तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ सागरीय तरंगों के द्वारा किए गए अपरदन और निक्षेपण से भी। सागरीय भाग है, सागरीय तरंगों के द्वारा किए गए अपरदन और निक्षेपण से भी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ज्योग्राफी भाषा में कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन समझिएगा। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण तथा सागरीय तरंगों के द्वारा किए गए अपरदन और निक्षेपण से होता है। और स्टेटमेंट में कह रहा है कि तटीय मैदान का निर्माण केवल नदियों के निक्षेपण से होता है। मतलब गलत हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आंसर हो जाएगा कौन कौन सही है, 1, 2 और 3। नीचे से एक लाइन लिखिएगा। तो भारत के तटीय मैदान का निर्माण भारत के तटीय मैदान का निर्माण नदियों के निक्षेपण और सागरीय तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से होता है। सागरीय तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से होता है। चलिए आगे आ जाइए। पंचायतों के विघटन होने के कितने समय के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है? 6 माह। कितना माह? 6 माह। लेकिन एगो बात बताइए, अगर पंचायत भंग हुआ और कार्यकाल मात्र 6 माह बाकी है, तब चुनाव होगा? नहीं होगा। इस स्थिति में चुनाव। इसके बाद एगो बात और बताइए, यहां पर कुछ चीज बताइए आप लोग। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक? 6 माह। कितना माह? इसके बाद लोकसभा भंग होने की स्थिति में कितने माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक? कितना? 6। विधानसभा भंग होने की स्थिति में कितने माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है? कितना माह? 6 माह। समझ गए? देखिए, क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं तब पढ़ेंगे। आप जानते होंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक मुगल साम्राज्य था। जानते हैं? जानते हैं ना? हाँ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक मुगल साम्राज्य था। बात अगर मुगल साम्राज्य की करे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हे, वहां पे आप सो रहे हैं महाराज, इतना गर्मी, आपको नींद कैसे आ जाता है? आजकल एगो गाना आया है, बड़ी सुनते हैं बजते हुए। अरे हम सुने ना है बढ़िया से, लेकिन सबके होंठ पे देखते हैं आजकल। अरे नया जो मूवी आया है एगो, कौन हीरोइन है? अरे कैटरीना कैफ का पति कौन है? विकी कौशल और सारा अली खान का मूवी आया है ना। उसमें एक कोई गाना है जो आजकल आप लोगों के होंठ पे है। क्या है? बोलिए तो। क्या है? तो नहीं बोल रहे हैं आप, जो गाना हम सुनना चाह रहे हो आप बोलने रहे। एक बार फिर से बोलिए। तू है तो और क्या चाहिए? बताइए महाराज, इतना गर्मी आप सो कैसे लेते हैं? तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी है तो और क्या चाहिए सोने के लिए ना। हाँ सुनिए अब। हाँ, वो सब चक्कर में मत पड़िए, समझे। वो सब फिल्मी जीवन में सही है कि तू है तो और क्या चाहिए, समझे। रियल लाइफ में उससे कुछ नहीं होना जानी है, रियल लाइफ में उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, समझ गए। अरे कितना भूखे प्यासे कितना दिन तक प्यार कर पाइएगा, ये सब फालतू फालतू गाना, मीनिंगलेस गाना सब। मुगल साम्राज्य, देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक भले ही बाबर को कहा जाता हो, लेकिन मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अकबर को, क्योंकि अकबर ने मुगल साम्राज्य के सीमा का विस्तार किया, और अकबर ने मुगल साम्राज्य के सीमा का विस्तार किया, और अकबर ने सीमा का विस्तार करने के बाद मुगल साम्राज्य में बेहतर प्रशासन हो सके, इसको लेकर अकबर ने मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया। सर्वप्रथम अकबर ने ही मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विभाजन किसमें किया? प्रांत में। प्रांत यानी राज्य में किया या सूबा में किया। प्रांत कहिए, राज्य कहिए या सूबा कहिए, सब एक बात है, सब एक बात है। अकबर जब मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया तो उस समय प्रांतों की संख्या 12, लेकिन अकबर के समय ही प्रांतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गया, 15 हो गया। तो अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांत यानी राज्य में किया, लेकिन जानते हैं कि जो राज्य था या प्रांत या सूबा था, ये जो है लोगों का शोषण करने लगा राज्य। दूसरी बात, एक बात यह है कि राज्य लोगों का शोषण करने लगा, और दूसरी बात जो लोग, जो मुगल प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों का शोषण करता था ना, उसको यह सुरक्षा भी देता था, उसके लिए राज्य सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता था। आप समझ रहे हैं कुछ? तो बताइए, तो मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांत यानी राज्य में किसने किया, और राज्य मुगल काल में लोगों का शोषण करता था, और मुगल काल में जो प्रशासनिक अधिकारी लोगों का शोषण करता था उसके लिए राज्य सुरक्षा के तौर पर काम करता था। ये बात समझ में आया? अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है, जो बात अभी हम आपको समझाए हैं ना, क्वेश्चन यही कह रहा है। पढ़ देते हैं फिर एक बार और बोल देंगे। मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए, मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता, राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था। समझ में आ रहा है? मतलब जो अकबर मुगल साम्राज्य को राज्य में विभाजित किया, वो राज्य स्वयं तो शोषण करबे करता था, और जो शोषण करता था उसको सुरक्षा भी देता था। समझ में आया कुछ? ये स्टेटमेंट मुगल राज्य को लेकर जिस इतिहासकार ने दिया है, वो इतिहासकार अभी जीवित है मेरे ख्याल से, नाम है इरफान हबीब, बहुत बड़े इतिहासकार है इरफान हबीब। इरफान हबीब नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, गलत है, कौन गलत है। शहर और नदी, देखिए जो शहर है ना, ये सब जानते हैं औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है सब। सिंदरी झारखंड में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, यह सही है। मदुरई तमिलनाडु में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो वेगई नदी के तट पर है। आइजोल मिजोरम, मिजोरम की राजधानी ना आइजोल जी, मिजोरम की राजधानी आइजोल, धलेश्वरी नदी के तट पर है, धलेश्वरी नदी। कोरबा तेल नदी के तट पर है, नहीं, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का एक औद्योगिक नगर है। यह तेल नदी के तट पर नहीं है, बल्कि यह हंसदेव नदी के तट पर है, हंसदेव नदी के तट पर है, हंसदेव नदी के तट पर है। यही सुमेलित नहीं है, अर्थात 12 का उत्तर हो जाएगा डी। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब गुरुजी लोग थोड़ा सा सुनिएगा, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, बिहार दरोगा। एमपीपीसीएस ने इस प्रश्न को पूछा है, कोरबा कौन नदी के तट पर है, तो उत्तर हो जाएगा हंसदेव। बीपीएससी ने पूछा है तेल किसकी सहायक नदी है, तो तेल महानदी की सहायक नदी है। बीपीएससी 60 से 62वीं में पूछा था, 2016 में और 2018 में 1717 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था, उसमें बिहार दरोगा पूछ दिया तेल किसकी सहायक नदी है। अर्थात यहां से एक हमें मार्गदर्शन मिलता है कि बीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछता है, समझ गए। तो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राओं से आग्रह है कि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप निश्चित तौर पर कर ले, बाद बाकी कहना मेरा काम है, करना आपका काम है। चलिए आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के विषय में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 222 को पढ़ना होगा। अनुच्छेद 222, जब आप अनुच्छेद 222 को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 222 हमें यह जानकारी देता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति। चलिए, क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं। क्या बताते हैं? हां सुनिए आप, भारत में हाईकोर्ट क्या गो है? वो 25 गो है ना, हो 25 गो हाईकोर्ट है। पटना हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट इत्यादि इत्यादि। देखिए, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अगर पटना हाईकोर्ट से हटाकर मुंबई हाईकोर्ट भेजना है तो ये काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ये काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर दूसरे हाईकोर्ट में जो भेजता है, इसके लिए राष्ट्रपति परामर्श लेता है, सलाह लेता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति यह काम करने को लेकर परामर्श किससे लेता है, परामर्श किससे लेता है। तो पहली बात, राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उससे परामर्श लेता है। तीसरी बात, जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश को ट्रांसफर करना है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश को ट्रांसफर करना है तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, और यहां से हटाकर मुंबई हाईकोर्ट भेजना है तो मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेंगे। अर्थात राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट भेजने के लिए राष्ट्रपति का परामर्श, कोलेजियम का परामर्श, जिस हाईकोर्ट का वह वर्तमान में न्यायाधीश है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, जिस हाईकोर्ट में उसको भेजा जाना है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, इतने लोगों का परामर्श राष्ट्रपति लेते हैं और तब जाकर के ट्रांसफर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सबकी सहमति आवश्यक है। क्लियर? देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात बताना चाहते हैं। जैसे आप महात्मा बुद्ध के विषय में सुने होंगे, महात्मा बुद्ध बड़ी ज्ञानी व्यक्ति। महात्मा बुद्ध यह चाहते थे कि बौद्ध धर्म में महिला को शामिल ना किया जाए, लेकिन उनका प्रिय चेला था आनंद। आनंद कहा ना, महिला को शामिल कीजिए। आनंद के दबाव डालने के कारण महिला को शामिल कर लिए। उसी प्रकार से बात अगर महात्मा गांधी की करे, महात्मा गांधी की एक पत्रिका हुआ करती थी, उसका नाम था यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के जरिए 31 जनवरी 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से 11 प्रकार की मांग की, जिसे 11 सूत्री मांग कहा गया। महात्मा गांधी अपनी 11 सूत्री मांग ब्रिटिशों के समक्ष यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से रखा, लेकिन गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। इस 11 सूत्री मांग में गांधी जी क्या क्या मांगे थे पता है? गांधी जी मांगे थे पूरे भारतवर्ष के भीतर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की जाए। दूसरी मांग गांधी जी ने यह किया था कि जो राजनीतिक कैदी है अगर उन पर हिंसा का आरोप नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। फिर तीसरी मांग गांधी जी ने यह किया, नमक के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स को समाप्त कर दिया जाए। ये तमाम प्रकार की मांग गांधी जी ने किया, लेकिन गांधी जी के मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। तो गांधी जी इसके बाद ही यह घोषणा किए कि सबसे पहले हम नमक कानून को तोड़ेंगे और इसको लेकर नमक सत्याग्रह का आयोजन करेंगे। और गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष कहा कि हम नमक सत्याग्रह चलाएंगे। साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि नमक सत्याग्रह में सिर्फ पुरुष भाग ले, महिला भाग ना ले। गांधी जी ऐसा चाह रहे थे। गांधी जी की प्रथम इच्छा यही थी कि नमक सत्याग्रह में महिला भाग नहीं ले। लेकिन एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी, उसका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के पास गई और गुहार लगाई कि नहीं, ये अन्याय है, महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप ऐसा अन्याय मत कीजिए। गांधी जी को अपने तरीका से कमला देवी चट्टोपाध्याय समझाई। तत्पश्चात गांधी जी को लगा कि ना, सही बोल रही है ये महिला, और फिर गांधी जी तैयार हो गए। और इन्हीं के चलते नमक सत्याग्रह में महिला पार्टिसिपेट कर पाई, महिला भाग ले पाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नमक सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र बना था धारासना। और धारासना में, धारासना जो कि नमक सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र बना था, उस धारासना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्रीमती सरोजनी नायडू कर रही थी। बताइए, अगर महिला भाग नहीं लेती तो नमक सत्याग्रह उतना अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, नमक सत्याग्रह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। देश विदेश के पत्रकारों ने नमक सत्याग्रह को कवर किया था। और नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से पूछा गया, विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि आप विश्व के लोगों से क्या मांग करते हैं। तो गांधी जी ने कहा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि विश्व के सभी लोग हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति रखे। ईश्वर ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिमाग दिया है कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर कैसे करें। गांधी जी कभी भी अपने आप को लाचार नहीं दिखाते थे, बल्कि बेचारा टाइप के इंसान थे, लेकिन दिखाते नहीं थे। गांधी जी कोई संत महात्मा नहीं थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ। एक लाठी और एक धोती पूरा दुनिया को नाप दिए। और पूरे विश्व में कौन ऐसा देश होगा जहां पर गांधी जी का सम्मान नहीं होगा? अगर मोदी जी को विश्व में सम्मान मिलता है तो गांधी के देश का प्रधानमंत्री है, इसलिए भी सम्मान मिलता है। और मोदी जी भी जाते हैं तो सबसे पहले अगर गांधी का प्रतिमा है तो वहीं पर जाकर के शीश झुकाते हैं। तो ये गांधी का देश है, समझे? और क्या बोलेंगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ। कमला देवी चट्टोपाध्याय, चलिए आगे आइएगा, आगे आइएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग यानी राजस्थान, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तो राजस्थान है, ये है कि ना है वो है, में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए ना राजस्थान में मरुस्थल है जी। हाय, भारतीय महामरुस्थल थार कहां है? राजस्थान में है, क्योंकि वहां पर वर्षा कम होता है, इसलिए वहां पर मरुस्थल है। यहां कम वर्षा होने के कारणों में आप निम्न में से किस कथन का चयन करेंगे? यानी राजस्थान में जो कम वर्षा होता है उसका कारण क्या है? राजस्थान में जो कम वर्षा होता है उसका कारण क्या है? तो पहला, अरावली पर्वत की दिशा अरब सागर शाखा के मानसूनी पवनों के समानांतर है। हाँ है, इसलिए समझ गए। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वर्षा होता, लेकिन समानांतर होने के कारण ही वर्षा नहीं होता है। सिंध प्रदेश से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती। हाँ, ये भी कारण है। यहां जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। गलत है, आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एगो बात समझिएगा यहां पर, भारत 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 के संदर्भ में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री को सूचित करना होगा, और प्रधानमंत्री को सूचित करना होगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 78 में है। उसी प्रकार से अगर बात हम राज्य की करें तो एक राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। एक राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, और राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री कोई भी काम करता है, कोई भी डिसीजन लेता है, इसकी सूचना राज्यपाल को देना पड़ता है, क्योंकि संविधान में इस बात का विवरण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 यह कहता है, मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद ने जो भी काम किया है उससे राज्यपाल को अवगत करवाना मुख्यमंत्री का परम कर्तव्य है। इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 में। तो आंसर क्या होगा? आए, अब यहां पर एक वो बात ध्यान से सुनिएगा भाई जी लोग, आज के डेट में एक प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है जानते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, 7/8 78। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167। बात क्लियर। आगे अनुच्छेद 165 में क्या है हो? अरे राज्य का महाधिवक्ता है महाराज, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के विधानमंडल का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 19, यहां पर 19 नहीं था, अनुच्छेद 169 दिए थे, खैर 19 है तो 19 को जान लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा है 19 में। नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें दयावसान सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्यों में मिला लिया था, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक बात बताते हैं, राजा, राजा का मतलब होता है अय्यास और कुकर्मी, और जो अय्यास और कुकर्मी होता है उसको अपना संतान उन्तान नहीं होता है, भले उसकी बीबी बहुते होती है लेकिन उसको अपना संतान नहीं होता है, जो भी इस प्रकार का होता है, समझ गए। तो आपको प्रश्न लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने हैं, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856, तो वहीं से संबंधित है, तो चर्चा वहीं से करना प्रारंभ करते हैं। राजा का मतलब तो समझा ही दिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जा रहा था तो लॉर्ड डलहौजी को कहा गया था कि आप भारत जाइए और भारत में जितना अधिक से अधिक हो सकता है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कीजिए, क्योंकि आपके बाद फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया जाएगा। डलहौजी को खुली छूट दी गई थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर। डलहौजी भारत आया, डलहौजी भारत आने के बाद पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, तो डलहौजी ने यह देखा कि भारत में राजतंत्रात्मक शासन है, राजा का शासन है, और भारत के अधिकतर राजा ऐसे हैं जिनके पास अपना संतान ना है। तो डलहौजी ने यह सोचा कि क्यों ना एक आदेश जारी कर दिया जाए कि वैसे राजा जिनके अपने संतान नहीं है, उनके निधन होने के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो डलहौजी ने सोचा और यह घोषणा कर दिया। डलहौजी ने कहा कि भारत के राजा जिनके पास अपना संतान नहीं है वो पुत्र गोद लेते हैं और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, ये मान्य नहीं होगा, बल्कि भारत के अगर कोई राजा है उनका अपना संतान नहीं है तो उनके निधन होने के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। डलहौजी ने यह घोषणा किया और डलहौजी ने यह कहा कि यह नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति क्या है? वैसी नीति जिस नीति के तहत देसी रियासत के राजे महाराजे के निधन होने के बाद उन्हें पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था, बल्कि उनके निधन होने के बाद उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाना था। उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या राजहरप नीति या अपहरण की नीति कहते हैं। इस अपहरण की नीति का सूत्रपात लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस अपहरण की नीति का पहला शिकार बना था सतारा। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। सतारा को 1848 में मिलाया गया। संबलपुर ओडिशा में पड़ता है, इसे 1849 में मिलाया गया। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे 1853 में मिलाया गया। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे 1854 में मिलाया गया। इस नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड डलहौजी ने किया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत के अगले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कैनिंग। और बात अगर लॉर्ड कैनिंग की जाए तो लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंत कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंत कर दिया, अपहरण की नीति का अंत कर दिया। तो आंसर तो क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अब यहां पर एक बात, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की शुरुआत किसने की? डलहौजी ने। और इसका अंत किसने किया? कैनिंग ने। तो याद रखिएगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? अंत किसने किया? सस्य गहनता के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। बड़ी जोत की अपेक्षा छोटी जोत के खेतों की सस्य गहनता कम होती है। हाँ, बड़ी जोत की अपेक्षा छोटी जोत के खेतों की सस्य गहनता कम होती है। सस्य गहनता समझते हैं जी? सुनिए ना महाराज, नहीं समझ मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। यहां पर मैक्सिमम किसान का बेटा होंगे, सस्य गहनता नहीं समझते हैं। देखिए, खेत है आप लोग के पास, होगा। आप देखते होंगे आपके पिताजी किसी खेत में एक बरस में 2 गो फसल उगाते होंगे, कभी 3 गो फसल उगाते होंगे। लेकिन किसी के पास खेत कम होगा तो 4 गो फसल उगा लेते होंगे। तो किसी भी भूभाग या खेत में एक वर्ष में जितनी अधिक फसल उगाई जाती है, जितनी फसल उगाई जाती है, वह उस खेत की सस्य गहनता होती है। अगर किसी खेत में एक वर्ष में 1 गो फसल उगाया गया तो उसकी सस्य गहनता 1। अगर 2 गो फसल उगाया गया तो उसकी सस्य गहनता 2। अगर 3 गो फसल उगाया गया तो उसकी सस्य गहनता 3। भारत के भीतर सबसे अधिक सस्य गहनता वाला राज्य पंजाब है। पंजाब में एक वर्ष में पंजाब के किसी भी खेत में लगभग 4 से 5 फसल उगाया जाता है। बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार की सस्य गहनता है 2 से 3, 2 से 3। और पंजाब की सस्य गहनता इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर बड़े आकार के खेत ज्यादा है। कोई पंजाब गए हैं घूमने के लिए? नहीं गए। बड़ा आकार का खेत सब है या ना है? है। हाँ 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 हाँ, समझिए। आगे आइए। न्यायिक सक्रियता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है इसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग पहली बार 1947 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका के शिक्षाविद ऑर्थर होलिंगसर जूनियर ने किया था। क्लियर? अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग पहली बार 1970 के दशक में किया गया था। और 1970 के दशक में इस शब्द का प्रयोग पहली बार कृष्णमूर्ति अय्यर, न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति अय्यर, पी एन भगवती जैसे न्यायाधीशों के द्वारा किया गया था। एक तो आप ये बात याद रखिएगा, जितना बोर्ड पे लिखे हैं सब महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और देखिए, ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाते हैं, गर्मी लगता है, बगल में पंखा लगाओ इसलिए हट जाते हैं। तो आप लोग सुनिए, समझिए, समझना ही ना है, थोबड़ा देखना जरूरी थोड़े है। चलिए, न्यायिक सक्रियता क्या है, पहले एग्जाम्पल समझिए और तब किताबी भाषा में परिभाषा बताएंगे। एक बात बताइए, भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का लाडला यानी बेटा, जो भी नाम हो उसका, कुकर्मी है, नाम लेना भी अपराध है। कुकर्मी लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, पाप लगता है, समझ गए। भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा अपना गाड़ी निर्दोष किसान पर चढ़ा दिया, निर्दोष किसान मारा गया। और जब निर्दोष किसान मारे गए तब उस किसान के मारे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस दर्ज नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चला। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लिया और उस मामला पर सुनवाई किया और उस कुकर्मी को जेल के भीतर ठेल दिया। यह न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है। मतलब जो हमारी न्यायपालिका है वह सक्रिय है, हमारी न्यायपालिका सक्रिय है, यह उदाहरण है। अब इसका परिभाषा समझिएगा। आप सब लोग जानते हैं सरकार के कितने अंग? तीन। सरकार के कितने अंग? तीन। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है तो फिर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को अपने काम करने के लिए बाध्य करती है। अब न्यायपालिका कब बाध्य करेगी? जब वो खुद सक्रिय होगा तब ना बाध्य करेगी। अगर न्यायपालिका कान में तेल लेकर के सोया रहेगा तो क्या बाध्य कर पाएगी? तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ यह होता है, न्यायिक सक्रियता का मतलब यह होता है कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को अपने काम करने के लिए बाध्य करती है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। और न्यायिक सक्रियता कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहतर व्यवस्था है। यह सबसे पहले अमेरिका में आया और अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत में भी इसे लागू किया गया है, समझ गए। और भारत में न्यायिक सक्रियता लागू है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट अजय मिश्रा टेनी के बेटा के मामला को स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें जेल में ठूस दिया या जेल में डाल दिया। जो उसके लिए कोई भी शब्द का प्रयोग करिए, वो छोटा शब्द है मेरे अनुसार, समझ गए। अब आप क्या सोचते हैं वो आपकी विचारधारा है, आपकी मानसिकता है। हम तो बहुत गलत सोचते हैं उसके विषय में, आपके सोच से हमको खाक फर्क नहीं पड़ता है इस सब मामला में स्पेशली, समझे। विचार कीजिए, हाँ विचार कीजिए, हाँ सुनिए। प्रश्न जो है दो चीज से रिलेटेड है, एक कांग्रेस की स्थापना से, दूसरा इंडियन सिविल सर्विसेज से, आईसीएस से। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कांग्रेस के संदर्भ में आप जान लीजिए। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन थी और कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में। मुंबई में इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 गो लोग भाग लिया था। क्या गो लोग? 72। और जो 72 लोग भाग लिया था, कुछ डॉक्टर था, कुछ वकील था, कुछ इंजीनियर था, कुछ प्रोफेसर था, सब पढ़ा लिखा लोग ही कांग्रेस का सदस्य हुआ करता था शुरुआती वर्षों में। 72 में से 39 गो वकील था, 39 वकील थे और प्रथम अधिवेशन के दौरान टोटल 9 गो प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या गो प्रस्ताव? 9 गो प्रस्ताव। क्या गो प्रस्ताव? 9 गो प्रस्ताव। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की, लेकिन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा किया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए, अगर कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम का योगदान है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को स्थापित करने में सिर्फ ए.ओ. ह्यूम का योगदान है, ना, ए.ओ. ह्यूम का योगदान तो है ये है। अगर ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का प्रथम संस्थापक माना जाता है तो एस.एन. बनर्जी को कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक माना जाना चाहिए और माना जाता है। स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारतीय इतिहास का स्पेक्ट्रम पलट करके देखिएगा, स्पष्ट तौर पर यह बात लिखा हुआ है जो हम आपको बोल रहे हैं। भले ही कांग्रेस की स्थापना में एस.एन. बनर्जी का योगदान हो, लेकिन एस.एन. बनर्जी कांग्रेस के स्थापना में या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। योगदान था लेकिन प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। दूसरी बात, अब क्यों भाग नहीं लिया? तो एस.एन. बनर्जी का एक संगठन था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन उसी समय आयोजित किया जा रहा था जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। तो एस.एन. बनर्जी को लगा, ना, हमको अपना संगठन के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेना चाहिए, न कि कांग्रेस की स्थापना में भाग लेना चाहिए। तो एस.एन. बनर्जी अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए। यह बात हो गई कांग्रेस के संदर्भ में। अब आप हमको एक बात बताइएगा, दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है या गलत? बोलिए, क्या है? गलत है। हां, गलत है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी अग्रिम पंक्ति के नेता के रूप में उपस्थित हुए थे? नहीं हुए थे। चौथा है, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कुल 9 प्रस्ताव के द्वारा अपनी मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई? हां, सही है ये। अब आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के संदर्भ में चीजों को आप सुनिएगा, समझिएगा, लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और भारत में आईसीएस की परीक्षा होना प्रारंभ 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। शुरुआती वर्षों में आईसीएस की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ लंदन में हुआ करती थी। लंदन में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर बना। सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत के बहुत सारे राजनेता हुए जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास किया, जैसे एस.एन. बनर्जी भी आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, अरविंद घोष आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। ये प्रमुख राजनेता है जो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन भारतीय आईसीएस अधिकारी को पद से हटा दिया जो भारतीयों के लिए काम करने का प्रयास किया। आईसीएस के पद पर रहते हुए एस.एन. बनर्जी भारतीयों के समर्थन में काम करने का प्रयास किया, जिस वजह से 1870 के दशक में 1874 ईस्वी में जब एस.एन. बनर्जी असम के कलेक्टर हुआ करते थे, उन्हें पद से हटा दिया गया। तो अब आप हमको एक बात बताएंगे, पहला नंबर स्टेटमेंट पर आइए, सही या गलत? सही। 1870 के दशक, 1870 के दशक का मतलब 1870 से 1880 और 1870 से 1880 के बीच में 1874 ईस्वी आता है। अगर ईस्वी के संदर्भ में बात की जाए तो 1874 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी को पद से हटा दिया गया था। अब इसके बाद आईसीएस की परीक्षा सिर्फ लंदन में हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने बार बार मांग किया, तब फिर जाकर के 1922-23 ईस्वी से आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी होना प्रारंभ हुआ। 1922-23। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्या है? कौन सा कथन सत्य? 1, 3 और 4। अरे बाप रे, भारतीय रबर शोध संस्थान अवस्थित है केरल के कोट्टयम। भारतीय रबर शोध संस्थान कहां अवस्थित है जी? बोलिए ना, बोलिए। चलिए, सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? देखिए सुनिए, भारत में तीन गो अस्थाई वित्तीय समिति है। भारत में 3 गो अस्थाई वित्तीय समिति है। भारत में जो 3 गो अस्थाई वित्तीय समिति है, एगो है लोक लेखा समिति। ए क्या हुआ, क्या हुआ, भाग रहा है, हवा रहा तो बढ़िया ना है, ये तो अच्छी बात ना है। वर्षा होने लगा है ना, वर्षा हो जाए तो मजे आ जाएगा। एगो अस्थाई वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। दूसरी अस्थाई वित्तीय समिति है प्रकलन समिति। और तीसरी अस्थाई वित्तीय समिति है सार्वजनिक उद्यम समिति। ये तीनों अस्थाई वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के सिफारिश पर 1921 में हुआ। प्रकलन समिति की स्थापना जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर, जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर 1950 में हुआ। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 में हुआ, 1964 में हुआ। अर्थात आंसर कृष्ण मेनन समिति। अब लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 गो लोकसभा और 7 गो राज्यसभा। प्रकलन समिति में 30 गो सदस्य और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 गो सदस्य, 15 गो लोकसभा और 7 गो राज्यसभा, 7 गो राज्यसभा। समझ गए, आंसर हो जाएगा ए। मौसम ठंडाया है नहीं जी? चलिए गुरुजी लोग आगे आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सही वे में सेट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। नया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि भारत का वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में आया, हाँ या ना? 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आया। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है 31 मार्च 1947 से 15 अप्रैल 1947 तक भारत के प्रमुख राजनेताओं से मुलाकात किया। और इस मुलाकात के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने सबको यह कहा कि अब हम भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। तो भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे, इसको लेकर लॉर्ड माउंटबेटन 31 मार्च 1947 से 15 अप्रैल 1947 के बीच भारत के राजनेताओं से मुलाकात किया। इस क्रम में इन्होंने सबसे पहली बार मुलाकात पंडित नेहरू से किया, फिर मोहम्मद अली जिन्ना से किया, फिर सरदार पटेल से किया और फिर महात्मा गांधी से किया, फिर सरदार पटेल और फिर महात्मा गांधी से किया। अर्थात आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। क्वेश्चन कुछ और सेट करना चाह रहे थे, लेकिन क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया। समझ गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ना है, नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉक्साइट क्षेत्र और संबंधित राज्य, बोलांगीर क्षेत्र ओडिशा में है, बरगावन पहाड़ी मध्य प्रदेश में, बगरू पहाड़ झारखंड, देवभूमि गुजरात। आंसर 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर ए। निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल 1 1 वर्ष कर 2 बार बढ़ाया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब सिचुएशन नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल सिचुएशन में लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपातकाल हो तब लोकसभा के कार्यकाल को संसद 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। पहली लोकसभा के लिए चुनाव 1951-52 में हुआ। पहली लोकसभा अस्तित्व में रहा है 1952 से 57। दूसरी लोकसभा अस्तित्व में रहा है 1957 से 62, तीसरी लोकसभा अस्तित्व में रहा है 1962 से 67, चौथी लोकसभा अस्तित्व में रहा है 1967 से 70। ये जो है तीने बरस का रहा। देखिए प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है, जब मन चाहे तब तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, समय से पहले ये भंग कर दी। फिर पांचवी लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो जो पांचवी लोकसभा है इसका कालखंड है 1971 से 76। लेकिन पांचवी लोकसभा के समय आपातकाल लागू हो चुका था। आप याद कीजिए देश में क्या बार आपातकाल लागू है? 3 बार। कितना बार? 3 बार। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। तीसरी बार 1975 में आपातकाल लागू हुआ। तो 1975 में आपातकाल लागू हो गया था, जिस वजह से पांचवी लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और यह लोकसभा 1977 ईस्वी में जाकर के भंग हो गया। 1977 में जाकर भंग हो गया, तब जाकर के लोकसभा का चुनाव हुआ और आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जिस वजह से इंदिरा गांधी जो है अलोकप्रिय हो गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, इंदिरा गांधी 1977 के लोकसभा चुनाव में, समझ गए, इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी और बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। जैसे मोदी जी लोकप्रिय है वैसे ही जो है इंदिरा गांधी भी काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। तो आंसर पांचवी हो जाएगा। ज्यादा बोलेंगे, टाइम ना है हो। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा रखे गए थे और इसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि केंद्र में प्रतिनिधि सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, कहा ये लॉलीपॉप है, इससे काम चलने वाला ना है, हमको पूरी आजादी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, समझ गए। कांग्रेस इसे अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से आपस में जोड़ता है? देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, ये भारत है ना जी, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। एगो उत्तरी दक्षिणी गलियारा है, एगो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, हाँ या ना? उत्तरी दक्षिणी गलियारा। अगर उत्तरी दक्षिणी गलियारा की हम लोग बात करें तो जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा है, यह गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है और उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यह जो एनएच है, इस एनएच को ही NH44 कहा जाता है, NH44 कहा जाता है और यही एनएच अभी देश का सबसे बड़ा एनएच। उसी प्रकार से एगो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, एगो क्या है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, बात अगर पूर्वी पश्चिमी गलियारा की करें तो यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है और जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो कि असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है, यह एनएच है, NH27। तो NH27 पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहलाता है और NH44 उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहलाता है और यह दोनों गलियारा आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है, उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है। तो अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई जी लोग? NH27। लघुकरण का अर्थ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। हाँ। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 5 प्रकार से क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है। क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन। क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर दिया जाना। दूसरा, परिहार का मतलब होता है सजा की मात्रा को कम करना, जैसे 5 वर्ष के जगह 2 वर्ष की सजा, 5 वर्ष सजा हो गया है तो उसको कम करके 2 वर्ष कर दिया जाना है। अगर 2 वर्ष सजा हो गया है तो 2 वर्ष को कम करके 1 वर्ष कर दिया गया। तो सजा की मात्रा को कम करना परिहार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिहार। फिर लघुकरण, सजा के प्रकृति को बदलते हुए सजा की मात्रा को कम करना लघुकरण कहलाता है। जैसे अगर किसी को मृत्युदंड का सजा है, अगर किसी को फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा को कम करके उसकी प्रकृति में बदलाव करते हुए, उसको कम करके उसके प्रकृति में बदलाव करते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। तो लघुकरण जो होता है, लघुकरण में दो चीज होता है, एक सजा के प्रकृति में भी बदलाव होता है और सजा के मात्रा में भी कमी होती है। इसके बाद विराम होता है। विराम कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे अगर कोई विकलांग है, कोई अगर गर्भवती महिला है, तो उस विशेष परिस्थिति में सजा का पालन करने से रोक देना। और फिर प्रविलंबन, सजा को कुछ समय के लिए टालना, विशेष तौर पर जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है उसके सजा को कुछ समय के लिए टालना प्रविलंबन कहलाता है। आंसर देखिएगा तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। आर्यों के विषय में जानकारी किस या किन अभिलेख या अभिलेखों से मिलता है? हिट्टाइट, कस्साइट, बोगाज, कोई, उपर्युक्त सभी से मिलता है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत के मैदान के किस उच्चावच के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय व क्षारीय उत्फूलन देखे जाते हैं जिन्हें रेह अथवा कल्लर कहा जाता है? भांगर। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है? HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। संगम युग के संबंध में असत्य कथन को छांटिए, मतलब गलत कथन को छांटिए, गलत। दास प्रथा का अभाव था, हां था अभाव, सही है ये। समाज में गणिका की स्थिति अच्छी थी, मतलब बेसिया की स्थिति अच्छी थी, हां थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, गलत है ये, सती प्रथा का प्रचलन था। गणिकाओं को परितयर कहा जाता था, हां, आंसर हो जाएगा सी। भारत में मुंगा चट्टान स्थित है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप से उपर्युक्त सभी स्थल में है मुंगा चट्टान। निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारीय आयोग के सिफारिश पर किया गया है और इसका स्थापना 1990 में हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, और इसकी स्थापना की गई है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वही अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है, और संथानम समिति का संबंध भ्रष्टाचार से है। दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। चोल वंश का प्रथम महान शासक राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम जो है श्रीलंका को जीता, मालदीव को जीता, समझ गए? तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही, तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही। अब देखिए, एक चोल शासक हुआ करता था प्रांतक प्रथम, उन्होंने पांड राजा को पराजित किया था, तो यह भी सही है। और देखिए 949 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे इतिहास में तकोल्लम का युद्ध कहा जाता है, जो तकोल्लम का युद्ध है यह राष्ट्रकूट वंश और चोल साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने भाग लिया था और चोल शासक प्रांतक प्रथम ने भाग लिया था, और इस संघर्ष में जीत कृष्ण तृतीय की हुई, हार प्रांतक प्रथम की हुई। अर्थात राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को तकोल्लम के युद्ध में पराजित किया। ये जो स्टेटमेंट है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया, सही या गलत? एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4। जब हम विश्व मानचित्र पर, ग्लोब पर 15 डिग्री याम्योत्तर को मानकर ग्रीनविच 0 डिग्री से प्रारंभ कर पूर्वी दिशा में उनकी गिनती करते हैं, तो हम पाते हैं कि याम्योत्तर का समय 1 घंटा तेज होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? सहकारी समिति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया 97वां संविधान संशोधन 2011। नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के राजा ऐसे थोड़े हारे थे जी। देखिए नादिर शाह ईरान का शासक था, इन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया 1739 में, और जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था, मुगल बादशाह हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल और नादिर शाह के बीच 1739 में हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में करनाल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई, क्योंकि नादिर शाह का साथ मराठा और सिखों ने दिया था, वही मुगलों का साथ जाटों ने दिया था। तो नादिर शाह का साथ मराठा सिख दिया था, जाट नहीं दिया था, जाट जो है मुगलों का साथ दिया था। और यही नादिर शाह मयूर सिंहासन लेकर के ईरान चला गया, और उस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, वही प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां। आंसर हो जाएगा 1 और 2। प्रश्न क्या पूछ रहा है समझे? प्रश्न ही पूछ रहा है कि नादिर शाह जब 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, नादिर शाह जब 1739 में भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की कौन सी क्षेत्रीय शक्ति ने नादिर शाह का साथ दिया था? तो सिख और मराठा। सिख और उत्तरी पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जोबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? दिमाश जन। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मार्शल लॉ के समय मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 34। कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? मंखक। इसके अलावा सब है। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द जोड़ा गया, मूल संविधान में अखंडता शब्द नहीं था। अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1976। लेकिन जानते हैं अगर ऑप्शन में 1977 होता तो इसका परफेक्ट आंसर 1977 होता। क्यों? तो इसका परफेक्ट आंसर 1977 इसलिए होता क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन है यह लागू हुआ है 3 जनवरी 1977। इसलिए खैर 1977 है नहीं, इस मारिए 1976। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, इनका सही क्रम है। मुगल साम्राज्य प्रांत या सूबा में बटा, सूबा जो है आपको सरकार में बटा यानी जिला में बटा, और सरकार परगना में बटा, और परगना ग्राम में बटा। तो सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। किस लोदी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया? देखिए लोदी वंश में क्या गो शासक हुआ जानते हैं? 3 गो। बहलोल लोदी पहला शासक, सिकंदर लोदी दूसरा शासक, इब्राहिम लोदी तीसरा शासक। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी दोनों अफगान सरदारों का सम्मान किया करता था, लेकिन बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी अफगान सरदारों का सम्मान किया करता था, लेकिन इब्राहिम लोदी कहा करता था राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है। ये अफगानी सरदारों का सम्मान नहीं किया करता था। सबसे ज्यादा अफगानी सरदारों का विरोध इब्राहिम लोदी ने ही किया, और इसलिए जब 1526 में बाबर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ रहा था तो अफगानी सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने अफगानी सरदारों को अपमानित किया तथा उसका विरोध किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। नगर और भूकंप जॉन, कोलकाता जॉन 3, गुवाहाटी जॉन 5, दिल्ली जॉन 4, चेन्नई जॉन 2। 3, 1, 2, 4 आंसर भी होगा। ओलंपिक खेल स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, आप सब लोग जानते हैं यूएनओ का नाम आप लोगों ने सुना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है। 6 अंग में एगो महासभा है, एगो सुरक्षा परिषद है, एगो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, एगो प्रन्यास परिषद है, एगो सचिवालय है, और एगो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। एगो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की करे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं कोलेजियम के सलाह पर। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा करता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर करता है, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर करता है। तो सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1995। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो विश्व में शांति कायम करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उन लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। अवार्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग इधर से